एवरीवन, मैं अरविंद जनुकाशन में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान प्रदेश के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। तो क्या है बड़ी अपडेट कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, उनके एग्जाम को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर एक बड़ी अपडेट है जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कोविड-19 के चलते आपके लास्ट 2 सत्र जो है कॉलेज के वो प्रभावित रहे हैं, और जो तीसरा सत्र है, ये वाला जो सत्र है, ये भी प्रभावित रहा है। वैसे तो आपकी जो कॉलेज है वो बंद नहीं की गई थी, कोविड-19 की थर्ड वेव है उसके अंदर कॉलेज या विश्वविद्यालय बंद नहीं हुए थे, क्लासेस बंद नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपकी जो यहाँ पर नया सेशन जो है 21-22 वाला जो सेशन है वो लेट स्टार्ट हुआ था, आपकी पढ़ाई लेट शुरू हुई थी, तो यहाँ पर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर समय पर परीक्षाएं कराना चाहते हैं जोधपुर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की अपडेट सामने आई है न्यूज़पेपर के अंदर। काफी सारे न्यूज़पेपर, जो भी जोधपुर के न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे पत्रिका हो या नवज्योति हो, सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर अपडेट सामने आई है। और अपडेट यह है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो लास्ट सेशन में था वो ही रखा गया है। यानी इस बार कोई कोविड नहीं है, कोई कोविड का प्रकोप नहीं है, लेकिन जो कोविड सेशन के अंदर, जो कोविड काल के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया था, सेम वैसा ही पैटर्न इस सेशन में भी रखा गया है। तो अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों का सेशन लेट स्टार्ट हुआ था तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर जो है सोच विचार कर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसने यहां पर एक फैसला किया है कि विद्यार्थियों के लिए यहां पर थोड़ी सी हम जो है राहत देते हैं, विद्यार्थियों के लिए छूट देते हैं और 50% पैटर्न को ही लागू करते हैं। आप सभी को पता है लास्ट सेशन में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, सेकावाटी हो, या आपका मोहनलाल सुखाड़िया हो, या जयनारायण व्यास हो, सभी विश्वविद्यालय ने पैटर्न माना था कि 50% ही बच्चों को अटेम्प्ट करना है। और यह उस शिक्षा विभाग का नियम भी था कि बच्चों को जो है 50% ही अटेम्प्ट करना है, उतना ही जो है पेपर उनको पढ़ना होगा, और इसके अलावा एग्जाम जो है वो भी डेट आपकी जो है घोषित कर दी है। तो यहां पर जयनारायण व्यास ने बोल दिया है कि एग्जाम डेट जो है आपकी 5 मई से आपकी रेगुलर जो एग्जाम है यूजी कोर्सेज की, पीजी कोर्सेज की, वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपके जो मार्च के अंदर, मार्च लास्ट में आपके प्रैक्टिकल हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका जो पैटर्न है वो 50% ही रहेगा। यानी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर 5 यूनिट हैं तो आपको जो है 50% अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा 3 सेक्शन हैं तो आपको जो है 2 सेक्शन ही अटेम्प्ट करने हैं, तीसरा नहीं करना है। यहाँ पर नियम बना दिया गया है। लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर हम व्यास यूनिवर्सिटी की बात करें 30,000 विद्यार्थी हैं, तो यहां पर 30,000 विद्यार्थियों के लिए राहत हो चुकी है कि भाई आपको ओनली 50% ही पढ़ना है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से पहले जो आपका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर का, उसने भी जो है अपडेट जारी कर दी थी पैटर्न को लेकर कि 5 यूनिट में से आपको जो है 1 यूनिट हटा दी जाएगी, 4 यूनिट ही अटेम्प्ट करनी होगी। यानी 1 यूनिट की यहां पर आपको सहायता दे दी गई है कि 1 यूनिट को यहां पर विलोपित कर दिया है, ओनली 4 यूनिट ही आपको अटेम्प्ट करनी है। उसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर दो बड़े विश्वविद्यालय, एक तो जयनारायण व्यास और दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने यहां पर पैटर्न के संबंधित जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बता दिया है विद्यार्थियों को क्या पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है राजस्थान विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जल्द ही राजस्थान विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों को बताए कि भाई क्या आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। यहां पर जो है अपडेट सामने आ रही है कि अप्रैल एंड में राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं वो स्टार्ट हो जाएंगी यूजी कोर्सेज की, पीजी कोर्सेज की। तो भाई आप जल्दी करो, जल्द से जल्द जो है एक नोटिस जारी होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो अब लग रहा है कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही जो है राजस्थान विश्वविद्यालय भी एग्जाम पैटर्न को लेकर नोटिस जारी कर देगा, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको छूट मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से जो यहां पर अपडेट सामने आ रही है अन्य विश्वविद्यालयों की, तो लग रहा है कि आपको छूट मिल सकती है। जी हां, आपको छूट मिल सकती है, और यह सभी विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि भाई आपको जो है सहायता मिल सकती है, कुछ परसेंट छूट आपको यहां पर दी जा सकती है। लेकिन अभी तक आपको जो है कंप्लीट ही पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए, जैसे ही अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर वन लर्निंग अकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर वन लर्निंग अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल
टेक्निकल, सेलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही है, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिया जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अगर हम बात करें तो पूरा सेम वही जो लास्ट सेशन का जो पैटर्न था वही रखा है उन्होंने, कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक पेपर 1.5 घंटे का होगा और एक दिन में 2 पेपर होंगे। जैसे आपके साइंस में 3 पेपर होते हैं तो एक दिन में आपके 2 पेपर हो जाएंगे, अगले दिन आपका 3रा पेपर होगा, ठीक है ना, और बीच में कोई गैप नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी यूनिट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यूनिट की बाध्यता नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि यूनिट की बाध्यता नहीं है, लास्ट सेशन में भी नहीं थी। आप कोई भी यूनिट में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस आपको 50% ही अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो 100% पे दिए जाएंगे, ये बात भी आपको पता है भाई, आपने पेपर 50% मार्क्स का जो है अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपको जो कंप्लीट जो आपकी जब कॉपी जांच होंगी या आपको जब मार्क्स दिए जाएंगे मार्क्सशीट में वो 100% में से ही दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके 50% में से 50% मार्क्स आ रहे, मतलब आपके 100% मार्क्स हो चुके हैं, तो इस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर हमने विजिट किया, देखा कि भाई नोटिस जारी हुआ है नहीं हुआ है। वैसे अभी जो है यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में ये अपडेट आ गई है, तो जल्दी नोटिस भी आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर उदयपुर विश्वविद्यालय था उसने तो पहले ही जारी कर दिया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जल्दी ही राजस्थान विश्वविद्यालय भी कोई कदम उठाएगा और विद्यार्थियों के लिए जल्दी असमंजस की स्थिति को दूर करेगा। तो इंतजार करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।